हेलो गाइस, आप बहुत सही जगह पे आ चुके हो। सिर्फ आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और उसके बाद आपको बहुत सारे टेक्निकल्स वीडियो मिल जाएंगे। तो देखिए, फ्यूचर टेक पापा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर पे इंग्लिश टाइप करके बनने के बाद मराठी और हिंदी या अदर लैंग्वेज कैसे टाइप की जाए। देखिए, आपको समझने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और हाँ, लाइक कमेंट्स भी दीजिए वीडियो पसंद आए, और नहीं पसंद आए तो उसमें क्या और ऐड करना चाहिए आप मुझे कमेंट के जरिए राय दे सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आपको अपने पीसी पे या लैपटॉप पे क्रोम या कौन सी भी फायरफॉक्स से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको फर्स्ट तो जैसे कि मैंने किया है, क्रोम पे सर्च करना है आपको गूगल इनपुट टूल। तो फर्स्ट मैंने क्रोम ओपन किया है दोस्तों, तो अभी मैं गूगल इनपुट टूल ऐसा सर्च करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए वीडियो, गूगल इनपुट टूल। बट दोस्तों, हमारे पास अगर कनेक्शन ना हो इंटरनेट का तो ये किसी काम का नहीं, तो हमें पहले तो कनेक्शन लेना होगा। बाद में हम कनेक्शन कनेक्टेड होकर इंटरनेट से हम गूगल इनपुट टूल सर्च करेंगे। उसके बाद फर्स्ट ही आएगा आपको एक गूगल इनपुट टूल ऐसा आएगा, तो उसे हम क्लिक करेंगे। गूगल इनपुट टूल्स, इसको क्लिक करने के बाद हमारे सामने अब ये आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा ट्राई इट ऑन, ट्राई इट आउट। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसी आएगा, तो आपको उस पर ऑन विंडोज, आपका विंडोज़ है तो आपको विंडोज़ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद बाजू में आपको दिखेगा स्मार्ट इजी टू यूज़ एंड, मतलब इसमें आपको चूज़ करनी है लैंग्वेज दोस्तों सिंपली। तो आपको बस कुछ नहीं, बहुत आसान स्टेप्स हैं, तो आपको जो लैंग्वेज चाहिए उसको क्लिक कीजिए। और डाउनलोड के ऊपर एक आई एग्री का ऑप्शन है, उसे ऑन यानी हाँ करके डाउनलोड पर क्लिक कीजिए दोस्तों। तो देखा कितने सिंपल स्टेप्स हैं, अभी हम इसे डाउनलोड करने वाले हैं। तो अभी ये डाउनलोड होगा, कुछ ही MB का होगा दोस्तों, ये ज़्यादा साइज नहीं है इसकी। अगर हम अभी इसे डाउनलोड किया है, तो डाउनलोड करने के बाद देखिए दोस्तों, हमें इसे रन करना होगा, मतलब इंस्टॉल करना होगा हमारे कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, जो आप जिस पे आपको इंग्लिश टू मराठी लैंग्वेज और इंग्लिश टू हिंदी और इंग्लिश टू एनी अदर लैंग्वेज आपको उसमें डालनी होगी, इंस्टॉल करनी होगी। तो उस जिस जैसे भी हुई स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, और जो लैंग्वेज चाहिए उसको क्लिक करके एग्री पे क्लिक करके डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल होगा अपने पीसी कंप्यूटर या लैपटॉप पे, और इसे अच्छी तरह से इंस्टॉल करने देना चाहिए दोस्तों। कट मत करिए, मिनिमाइज मत कीजिए, बहुत कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट का काम है दोस्तों। 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड भी 2 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि वो 20 या 40 MB, मतलब हमारे जितनी लैंग्वेज चूज़ करते हैं उसके हिसाब से MB में ही इसकी साइज होंगी। तो कम से कम MB में हमें बहुत अच्छी एक ट्रिक मिलने वाली है दोस्तों। इसके ज़रिए से आप कुछ भी आसानी से टाइप कर सकते हैं। इंग्लिश में टाइप कीजिए और जो आउटपुट आएगा वो हिंदी इंग्लिश, मतलब जो हमें लैंग्वेज चाहिए उसमें आ जाएगा, मराठी में, इंग्लिश, हिंदी में एंड अदर लैंग्वेज, पंजाबी या और कौन सी भी लैंग्वेज आपको चाहिए उसमें आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी मैं इसे ओपन करूँगा वर्ड पैड में जिसमें हमें चाहिए उसमें हम क्लिक करेंगे। तो ये डेस्कटॉप पे हम क्लिक करेंगे।
देखिए मैक्रो वर्ड ओपन किया है, इसमें अभी हमने ऑन किया है वो, नीचे नीचे एक बार बताए दोस्तों स्टार्ट के बाजू में इंग्लिश हिंदी हमें लैंग्वेज चूज़ करने हैं वो आप देखेंगे। तो अभी मैंने मराठी लैंग्वेज चूज़ की है दोस्तों, और हिंदी भी, मतलब दो लैंग्वेज के लिए मैंने डाउनलोड किए और इंस्टॉल किए हैं। तो मैं अभी अभी सीधे सीधे टाइप करूँगा। देखिए मेरा नाम सौरभ, इंग्लिश में टाइप किया वो मराठी में आ गया, या हिंदी में भी कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज भी ऑन है तो आप इसे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं देखो अब टाइप करना TUM तुम BHIV और ये देखिए SAYES A और आगे आप में जैसे टाइप करना है हम वैसे टाइप कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से हम टाइप करते हुए इंग्लिश टू मराठी या हिंदी या पंजाबी या कौन सी भी लैंग्वेज हमें जो चाहिए उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी बताइएगा, और उस भी वीडियो है उस देखिए यहाँ क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और चैनल भी देखिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, लव यू।